नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है, आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 senses से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है अगर उसे सुझाव दिए जाए तो। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 minutes पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 types के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सब ने यह नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति, हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकते हैं। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपये कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है।
और अगर हम वो जान ले तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख ले और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डाले तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है। तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3-स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3-स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार, अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ, एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपके सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गतिज क्रिया, किनेटिक एक्शन को मुक्त करना। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को ACU प्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक्स से आपको ठीक कर देते हैं। मानसिक उपचार में व्यवहारिक प्रैक्टिकल तकनीकें 1, पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी आप चाहे, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। 2, विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है।
एकदम क्लियर और एग्जैक्ट हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। 3, मानसिक मूवी विधि पुराने लोगों की कहना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि मेथड सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें। क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। अब चेतन की प्रवृत्ति टेंडेंसी जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीवी यानी कि क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरा हूं। मन चाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं कि कहां जाना है। लेखक बताते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है।
तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं, उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी दो आंखें हैं, आपके पास भगवान ने दो पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। 8, पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। 2, दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। 3, तीसरा चरण, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।